पता चला तो पहला दिमाग में मेरे ये आया कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके फल उसको मिलना ही मिलना है। ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं है। जिस भय को इसने लोगों के बीच में व्याप्त करके और अपना आर्थिक साम्राज्य बनाया था, जब वो सब ढहने लगा योगी जी की शक्ति के कारण, तो वो भय अब इसके अंदर कायम हो गया था। और उसी का नतीजा था कि इसको हर समय डर लगता था कि कोई मुझे खाने में जहर दे रहा है, कोई मेरे मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं प्रॉपर मिल रही हैं, और वो डर इतना हावी हो गया कि कल कार्डियक अरेस्ट के कारण इसकी मौत हो गई। तो पहला हमारे दिमाग में ही आया कि आपके कर्म आपके साथ हैं, अच्छा करेंगे अच्छा पाएंगे, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। चैलेंज सिंह साहब, आपने तो वो दौर भी देखा है जब आप खाकी वर्दी में आतंक का या खौफ का अंत करने के लिए तैनात किए जाते हैं, लेकिन उस डर को आपको महसूस करना पड़ता है क्योंकि उस इलाके में कोई आपको किराए का कमरा तक नहीं देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुख्तार अंसारी का खौफ है। वो दिन याद है आपको सिंह साहब? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब मैंने रिजाइन किया, सरकारी आवास छोड़ा था, तो एक मुझे किराए का कोई घर भी नहीं देता था। कहीं मिल भी गया तो सवेरे तक उसको धमकी मिल जाती थी और दूसरे दिन मुझे खाली करना पड़ता था। जब मैंने सोचा कि मैं बैंक से लोन लेके और कहीं अपना छोटा मोटा आवास बना सकूं, तो बैंक में गया तो उन्होंने कहा आपके पास कोई सर्विस तो है नहीं, पे स्लिप है नहीं, तो मैं आपको लोन नहीं दे सकता। उसके लिए जब मैं प्राइवेट कंपनी में कहीं भी अप्रोच करने लगा कि जॉब मिल जाए तो मैं कुछ कर सकूं, पे स्लिप के आधार पर लोन ले सकूं, तो वहाँ भी धमकियाँ चली जाती थी और मैं नहीं जॉब कर पाता था। तो वो दौर मैंने देखा। भगवान राम का 14 बरस वनवास था, मेरा तो 20 साल हो गया, और किस परिस्थिति में रहा, मेरा परिवार रहा, वो मैं ही जानता था। लेकिन इस पीड़ा को मैं बाहर नहीं आने देता था, केवल इसलिए क्योंकि बहुत से यूथ हमको देखते थे कि शैलेंद्र भैया ने सही काम के लिए स्टैंड लिया है, इनका क्या हश्र होगा। और मैं अपनी पीड़ा को कभी जनता में नहीं आने देता था। एक पॉजिटिव सोच के लेके, चाहे RTI पे काम किया, चाहे आज किसानों पे काम कर रहा हूँ, ग्रीन एनर्जी पे कर रहा हूँ, देशी गौ संवर्धन पे काम कर रहा हूँ, और एक जनता के बीच में पॉजिटिव सोच लेके गया और लगातार काम करता रहा। 20 साल पहले का और हो रहा उसी का नतीजा है कि 2004 का। बिल्कुल, वो ऐसा दौर था जब मैं चाहती हूं कि न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को शैलेंद्र सिंह जो आज हमारे साथ बैठे हैं वो हमें आज से 20 साल पहले ले चले। वो पहली मर्तबा जब आपने वो बंदूक बरामद की थी, वो पहली मर्तबा जब आपको लगा था कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और अन्याय नहीं होता है, वो पहली मर्तबा जब आपकी ये जो सोच थी जिसे मैं गुब्बारा कह सकती हूँ उन दिनों का, वो फूट गया जब IG रैंक के अधिकारी से लेकर तमाम बड़े लोग आपके ऊपर ये दबाव डालने लगे कि जो तुम सोच रहे हो वो हो नहीं सकता है। बात सही है। देखिए, उस समय हम लोग, मेरी भी सर्विस ज्यादा नहीं थी, 9.5 साल की सर्विस थी, और एक फील्ड में जज्बा था। STF उस समय कायम हुई थी कि बड़े बड़े दुर्दांत अपराधियों को कंट्रोल करना है, उनके लिए STF बनी थी। और STF में जाने का मतलब होता था 30% एक्स्ट्रा सैलरी भी मिलती थी इसीलिए। और एक बहुत अच्छी टीम थी जो नेशनल ने इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज की जाती थी कि UP के STF में वो दमखम है। और उस जज्बे के साथ हम लोगों ने एक लाइट मशीन गन रिकवरी की, जो न उससे पहले कभी रिकवर हुई न आज तक हुई, सिंगल रिकवरी है लाइट मशीन गन के। लेकिन दुर्भाग्य हम लोगों का कि जिसको हम लोग गुड वर्क समझ रहे थे कि हमारी टीम को आउट ऑफ टर्म प्रमोशन मिलेगा, शाम होते होते वो हमारा बैड वर्क गिना जाने लगा और हमारे लोगों पर ही दबाव पड़ने लगा, और 15 दिन बाद मुझे सर्विस छोड़ना पड़ा। तो वो दौर बहुत ही खतरनाक था, और मुझे सबसे बड़ी चिंता इस बात की थी कि जिस STF के कारण पब्लिक को भी रहता था सुकून कि चलो STF है, STF केस देख रहे तो न्याय हो जाएगा, उस STF की बदनामी हो रही थी। लेकिन आज मुझे खुशी इस बात की है कि उसी STF या उसी पुलिस का जलवा फिर से योगी जी ने कायम किया, पुलिस का एक बार कायम हुआ, आज अपराधी अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। चलन जी, आपको लगता है कि वो दौर सच में बहुत खतरनाक था? वो उस दौर में शायद आप STF के साथ ना होते, और आज अगर होते तो बहुत ही अलहदा होता, मतलब आज की तारीख में अगर वो मशीन गन आपने बरामद कर दी होती तो मामला अलग होता। बिल्कुल सही बात है। आज हमारे पास अगर समय, आज ये वाला दौर होता तो हमारी टीम आउट ऑफ टर्म प्रमोशन पाती, हम लोग मेडल पाते, और एक जनता में भी विश्वास होता है कि बड़े बड़े दुर्दांत अपराधियों को भी 2 मिनट में ठिकाने पर लाया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य कि उस समय मुलायम जी की सरकार थी, एक छोटी सोच लेके उन लोगों ने
मुख्तार जैसे अपराधियों का साथ दिया और उसका खामियाजा भी उनको भोगना पड़ा, उन लोगों को आज सत्ता से बाहर कर दिया जनता ने। हम जैसे हम मुझे कहा ना, मुझे सबसे बड़ी चिंता थी अपने को जीवित रखना, अपने परिवार को जीवित रखना, रोजी रोटी चलाना और साथ ही साथ जनता में खासकर युवाओं में इस बात का संदेश देना कि नहीं, आप सिस्टम से टकराओगे तो आप फिनिश नहीं हो जाओगे, एक नए दिन ये सिस्टम सुधरेगा। तो आज मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि वो जो लोग देख रहे हैं या पुराने दौर को देखा है, उन लोगों ने आज उनको इस बात पे भरोसा हुआ हुआ कि नहीं, सच की जीत होगी। और ये जो शॉर्टकट अपना के लोग चाहे शासन सत्ता में बैठ गए हों चाहे माफिया बन गए हों, इनका खात्मा होना ही होना है। शैलन जी, मुझे आप ये बताएंगे, वो आपने 15 दिन के भीतर ही इस्तीफा दे दिया था, है ना? जी जी, 15 दिन मुझे लगे थे। 25 जनवरी 2004 को मैंने रिकवरी की थी। हाँ। और 11 फरवरी 2004 को मैं रिजाइन किया था। और मुझे वो घटना बड़ी याद है, मैं एसटीएफ में बैठा हुआ था, बनारस यूनिट क्लोज करके लखनऊ हेडक्वार्टर में बैठा था और एक व्यक्ति मेरे पास, परिवार आया पूरा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसके बैंक क्लर्क था और उसके बच्चे का अपहरण कर लिया था लोगों ने। और हम लोगों ने उस समय उसको भी, केस को मैं देख रहा था, अपराधियों ने, इन्हें लोगों के लोगों ने, और उस केस को मैं देख रहा था। लेकिन जब ये केस सब रिकवर हो गया, एलएमजी और ये तूल पकड़ गया, मामला स्टेप को क्लोज करके वापस बुला लिया गया, तो वो केस भी मेरे हाथ से छूट गया। उस केस में उस गरीब परिवार को, समझिए बैंक क्लर्क की इतनी हैसियत होती है, उस समय उसको 5 लाख या 7 लाख 10 लाख जो भी देना पड़ा दे के और अपने बच्चे को वो लेके वापस आया। और वो परिवार धन्यवाद देने मेरे पास आया था एसटीएफ कार्यालय में और कहा कि शैलन जी, आप कुछ कर नहीं पाए लेकिन आपने जितनी जब तक रहे आपने जो तत्परता दिखाई थी वही मेरे लिए बहुत है और अब हम लोग बनारस छोड़ के जा रहे हैं, उधर कभी नहीं जाएंगे। और मैं बैठे बैठे दिन भर यही सोचता रहा कि जो सरकारी तंत्र, जो हम लोग पढ़ती होते हैं तो लोक सेवक बोले जाते हैं, पब्लिक सर्वेंट, हम जनता के टैक्स से अपनी तनख्वाह लेते हैं, उनके लिए समर्पित हैं या रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन चैलेंज जी, जो बातें आप कह रहे हैं उस दरमियान ऐसा तो लग नहीं रहा था, ये तो बिल्कुल अलहदा स्टोरी, उल्टी गंगा बह रही थी। बिल्कुल नहीं लग रहा था, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा था और मुझे इस बात की चिंता थी कि मैं अपने सैलरी को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ और वही वजह था। उस परिवार के जाने के बाद 2 घंटे बाद मैं अपना रेजिग्नेशन भेज दिया था कि नहीं। शैलन जी, बस आपको एक सेकंड रोक रही हूँ, आप मेरे साथ बने रहिएगा, मुझे एक तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे करने है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है, मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बांदा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ये न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं और 1 महीने का वक्त दिया गया है। इस 1 महीने के अंदर अंदर इस जांच की रिपोर्ट सौंपनी होगी। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि बार बार ये शिकायत, ये आरोप लगाई जा रही थी कि जिस जेल में मुख्तार अंसारी बंद थे उस जेल में उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा था, ये परिवार वालों की तरफ से आरोप लगाया। आपने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, जो विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को ट्वीट करके ऐसी ही कुछ दिशा में सवाल उठाते हुए देखा है। और अब खबर यह आ रही है कि बांदा के डीएम ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं, 1 महीने के भीतर ही ये रिपोर्ट सौंपनी होगी। जांच रिपोर्ट यानी क्या कंक्लूजन निकलता है, ये जांच रिपोर्ट सौंपी जाए बांदा के डीएम को, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पूर्व डीएसपी शैलन सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जो दर्शक शैलन सिंह साहब को नहीं जानते हैं, मैं आपको 3-4 लाइनों में इनका इंट्रोडक्शन दे देना चाहती हूं। हिंदुस्तान में एलएमवी लाइट मशीन गन जो है, एलएमजी, उसकी अगर बरामदगी हुई है तो वो एक ही मर्तबा हुई है, और अगर वो किसी ने की है तो वो उत्तर प्रदेश की, वो एसटीएफ टीम ने की है, और उसी का एक बड़ा चेहरा इस वक्त आपके सामने है। और जहां से ये मशीन गन बरामद हुई थी वो कोई और नहीं, मुख्तार अंसारी के घर से बरामद हुई थी। बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, खेल तो उसके बाद शुरू हुआ। अगर आप किसी दुर्दांत अपराधी के घर से किसी तरह की कोई बरामदगी करते हैं और खासकर ऐसी किसी खतरनाक चीज की, तो आप जानते हैं क्या होता है। आप जानते हैं कि उस दुर्दांत अपराधी का जीना जो है मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहां ठीक उल्टा हुआ। आपको पीले रंग की टी शर्ट में जो शख्स इस वक्त दिखाई दे रहा है टेलीविजन स्क्रीन पर, ये कोई और नहीं,
ये एसटीएफ का वो महत्वपूर्ण चेहरा था जिन्हें 15 दिन के भीतर रिजाइन देना पड़ गया, जिन्हें 15 दिन के भीतर अपनी वो जो उन्होंने कमाया था वो सब कुछ खो देना पड़ा। अपने परिवार को लेकर वो सबसे ज्यादा चिंतित इस बात को लेकर थे कि किसी भी वक्त वो खत्म हो सकते हैं, उनका परिवार खत्म हो सकता है। आज शैलेंद्र सिंह साहब पूर्व डीएसपी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र सिंह साहब, कभी कभी इन चीजों को याद करके मन भराता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये पल कैसे कोई जी सकता है, देख सकता है? शैलेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है मुझे। मैं कोशिश करती हूँ एक बार फिर से उनसे संपर्क साधा जाए, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बातचीत है, आप समझिए। आज जो लोग ये कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के साथ गलत हुआ है, न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं, सब कुछ आपके सामने है, लेकिन आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो लोग राजनीति के तहत एक वोट बैंक को साधने के तहत ये काम कर रहे हैं, क्या वो ये भूल जाते हैं कि 61 से ज्यादा केसेस, 8 ऐसे केसेस जो जेल में बंद रहते हत्या के मुकदमे दर्ज हुए थे मुख्तार अंसारी पर। अमित मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है, हर पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अमित भी हैं, जरा पहले उनका रुख करते हैं। अमित, कल रात की तस्वीर जो है यही थी, आप गाड़ी में ऐसे ही मौजूद थे और बांदा का रुख कर रहे थे, और अभी भी खबर की पकड़ के लिए आप इसी तरीके से किसी और दिशा में जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन व्हाट इज द बिग न्यूज राइट नाउ, क्या बड़ी खबर? देखिए, न्यायिक जांच के आदेश हो गए हैं, बांदा के चीफ मजिस्ट्रेट ने ये आदेश दिए हैं, और यही नहीं रूबिका, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो विसरा है, विसरा मजिस्ट्रेट ने आदेश दिए हैं कि विसरा को प्रिजर्व किया जाएगा। जिस तरीके से स्लो पॉइजन के लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, तो विसरा का जांच कराया जाएगा, विसरा का को प्रिजर्व कराया जा रहा है। तो विसरा का जांच रिपोर्ट जैसे ही निकलकर सामने आएगी, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन दिया जा रहा था या नहीं दिया जा रहा, क्योंकि आरोप जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से लगाए जा रहे थे, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के परिजनों की तरफ से लगाए जा रहे थे, उनसे पर्दा तभी उठेगा जब विसरा का जांच होगा। विसरा भी प्रिजर्व करने का आदेश मजिस्ट्रेट ने दे दिया है, और देखिए पोस्टमार्टम इस वक्त पूरा हो चुका है रूबिका, पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है, और किसी भी वक्त बांदा के लिए जो काफिला होगा, सीओ एक सीओ रैंक के अधिकारी मुख्तार अंसारी की बॉडी को लेकर गाजीपुर जाएंगे, 420 किलोमीटर का सफर तय करना है, और बताया जा रहा है कि 6 से 7 घंटे में ये सफर तय कर लिया जाएगा। जी रूबिका, अमिताभ ये बता रहे हैं कि विसरा जो है वो भी सेव कर लिया गया है, विसरा रिपोर्ट के बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या वाकई धीमा जहर दिया जा रहा था। आनंद तिवारी मेरे सहयोगी इस वक्त गाजीपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। आनंद, आज जुम्मा है और आज तादाद में लोग खुतबा पढ़ने जाते हैं, आज वो इलाका मोहम्मदाबाद जहां पर मुख्तार अंसारी का पैतृक गांव है, कल रात से लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया है, इस वक्त क्या आलम आपको नजर आ रहा है? आप मेरे ख्याल से उस कब्रिस्तान में मौजूद है जहां पर सुपुर्दे खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। जी देखिए, बिल्कुल रूबिका, इस वक्त मैं मोहम्मदाबाद के जो कालीबाग कब्रिस्तान है, जो अंसारी परिवार का पैतृक एक तरीके से आप बोले कुनबे का कब्रिस्तान है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्तार अंसारी की जो कब्र है वो खोदी जा रही है। जो दो मजदूर हैं संजय और गिरधारी, वो लगातार यहाँ पर कब्र खोदने का काम कर रहे हैं, 7 फीट लंबी ये कब्र यहाँ पे खोदी जा रही है। और रूबिका, मेरे कैमरा पर्सन सुनील आपको तस्वीरें दिखाएंगे, इनकी मुख्तार अंसारी की जो कब्र है उसके ठीक सामने उनके उनके जो अब्बू हैं उनकी कब्र है, और उनके बाजू में उनकी जो अम्मी है उनकी कब्र है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं उमर अंसारी साहब, खालिद अंसारी साहब, इसके अलावा उमर अंसारी साहब, ये बशीर अंसारी साहब, इन तमाम लोगों की यहाँ पर जो पूरा कुनबा है मुख्तार अंसारी परिवार का, उनके तमाम लोगों की कब्र यहीं पर खोदी गई थी, यहीं पर उन्हें सुपुर्द खाक किया गया था। तो जैसा कि अमित बता रहे हैं कि देर शाम तक उनका शव उनके पैतृक घर लाया जाएगा, और उसके बाद जो एक पूरी प्रक्रिया होती है जनाजे की उसको पूरा किया जाएगा, और उसके बाद उनका जो जनाजा है वो इस कब्रिस्तान में लाया जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर स्थानीय लोग जो हैं वो मौजूद हैं। एक और महत्वपूर्ण बात रूबिका,
जिस तरह से मुख्तार अंसारी एक शख्स थे लेकिन दो किरदार थे, कोई लोग उन्हें बाहुबली बोलते हैं, लेकिन स्थानीय लोग, हमने बहुत सारे लोगों से यहाँ पे बात की, उनके लिए वो रॉबिन हुड थे, गरीबों के मसीहा थे, और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम तमाम लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर रखी हैं। और हमने लोगों से पूछा कि क्या पुलिस ने दुकानें बंद कराई, तो उनका कहना था कि हमारे नेता आज हमारे बीच नहीं रहे हैं मुख्तार अंसारी, और इसलिए हमने दुख की वजह से जो है ये दुकानें बंद करी हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ भी जो स्थानीय लोग हैं वो इस कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, शाम ढलती जाएगी, ये हुजूम जो है, जो मजमा है वो बढ़ता जाएगा, और ऐसा ही नज़ारा जो है हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। और वक्त क्या रहेगा, सुपुर्द खाक कब किया जाएगा, जोहर की नमाज के बाद, खुतबे या ये कहिए कि मगरिब की नमाज के बाद कब उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा, जानकारी क्या मिल रही है? जी देखिए रूबिका, जैसा कि अमित बता रहे हैं करीबन 6 से 7 घंटे का वक्त लगेगा, जो उनका काफिला, जो उनका शव है वो उनके पैतृक घर पहुंचेगा, तो देर रात लाजमी है कि देर रात तक ही जो सुपुर्द खाक की कार्रवाई है वो इस कब्रिस्तान में होगी। करीबन 10 से 11 या 11 से 12 का भी वक्त जो है वो बीत सकता है, देर रात को ही ये तो तमाम कार्रवाई है वो होगी। और अभी 2 घंटे तो इस जो कब्र है इसे खोदने में और इसको पूरी तरह से तैयार करने में लगेंगे, जैसे कि जो 2 मजदूर हैं, और इसमें रूबिका ये जो एक चेहरा देख रहे हैं आप टी शर्ट में, ये गिरधारी हैं और ये मुख्तार अंसारी के बचपन के दोस्त हैं, इनसे हमने अभी बात की थी, बेहद भावुक हैं। हमने इनसे पूछा कि मुख्तार अंसारी को लोग बाहुबली बोलते हैं, माफिया बोलते हैं, इन्होंने कहा था कि मेरा दोस्त आज नहीं रहा है और मेरे दोस्त की जमीन पर ही मेरा जो मकान है वो बना हुआ है। तो अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया है, कुछ लोग आज खुश भी हो रहे हैं कि मुख्तार अंसारी जिन्होंने कई लोगों को तकलीफ दी, कई लोगों के घर उजाड़े, जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको खुशी मिली, तो बहुत सारे लोग गमगीन भी हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी लोग जो है वो गमजदा हैं, और हमने उनके घर का भी रुख किया था, उनके घर पे भी उनके परिवार के लोग मौजूद हैं, और तमाम लोगों को अब इंतजार है कि उनका जो शव है वो उनके पैतृक घर जो है वो यहाँ पर पहुंचे। आनंद लगातार हमें तस्वीरें पहुंचाते रहिएगा, जानकारी हम तक पहुंचाते रहिएगा। एक तरफ देखिए कब्र जो है वो खुद चुकी है, एक तरफ तैयारियां हो रही है वहां कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक करने के लिए, और दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी का परिवार ये मांग कर रहा है कि हम चाहते हैं कि पोस्टमार्टम जो है वो बांदा अस्पताल में हुआ है, हम उस पर यकीन नहीं करते, एम्स एक बड़ा अस्पताल है, तो हम चाहते हैं कि मुख्तार अंसारी का जो पोस्टमार्टम है वो एम्स के डॉक्टरों द्वारा किया जाए। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि पोस्टमार्टम अब खत्म हो चुका है, पोस्टमार्टम की बकायदा वीडियोग्राफी भी की गई थी, मुख्तार के बेटे हैं उमर अंसारी, उन्होंने कहा कि एम्स के डॉक्टर से पोस्टमार्टम होना चाहिए। उमर अंसारी ने बांदा के डीएम को बकायदा ये चिट्ठी लिखी है, लेकिन दूसरी तरफ डीएम ने भी न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। ये वो 3-4 बड़ी खबरें हैं, ये 3-4 बड़े डेवलपमेंट हैं जो इस वक्त आपको जानने जरूरी है। बांदा के डीएम को लेटर लिखकर उमर अंसारी, जो कि मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए आपने पोस्टमार्टम बांदा के अस्पताल में किया, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि एम्स के डॉक्टरों की तरफ से ये पोस्टमार्टम किया जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो पाए। दूसरी तरफ डीएम की तरफ से ही न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए, 1 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट सौंपनी होगी। और तीसरी बड़ी बात यह है कि वहां कालीबाग कब्रिस्तान है मोहम्मदाबाद में गाजीपुर के, वहां पर हमारे सहयोगी आनंद तिवारी मौजूद है, उन्होंने अभी अभी तस्वीरें दिखाई है जहां पर बकायदा कब्र जो है वो खोदी जा रही है, तैयार की जा रही है। रात को 11 बजे के आसपास जो शव है मुख्तार अंसारी का वो वहां पर पहुंचेगा, उसके बाद जनाजे को गुस्ल करवाया जाएगा, फिर नमाज होगी और उसके बाद सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। अमित भी हमारे साथ मौजूद है। अमित, 3 बड़ी खबरें हैं, लेकिन अभी कंफ्यूजन इस बात को है कि भाई उमर चाह रहे हैं उनके बेटे के एम्स के डॉक्टर पोस्टमार्टम करें, पोस्टमार्टम खत्म हो चुका है, यहाँ पर कब्र जो है वो तैयार की जा रही है, कंफ्यूजन की स्थिति तो बनी हुई है ना, क्या क्या शव को सुपुर्द खाक परिवार करेगा या अड़ा हुआ है कि नहीं एम्स के डॉक्टर करें पोस्टमार्टम? जी हाँ, देखिए उमर चाह रहे थे कि एम्स के डॉक्टर पोस्टमार्टम करें, लेकिन 5 डॉक्टरों का पैनल एक बना दिया गया था और बांदा प्रशासन के द्वारा, और 5 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को पूरा किया। अब इस पूरे मामले में न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं और 1 महीने के भीतर रिपोर्ट दे देनी है, न्यायिक जाँच में क्या कुछ निकलता है। विसरा को प्रिजर्व करने का भी आदेश दिया गया है, विसरा प्रिजर्व किया गया है, यानी मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन दिया गया है कि नहीं,
विसरा की जब जांच की जाएगी तो जाहिर तौर पे सच्चाई निकल कर आ जाएगा सामने कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि उमर अंसारी अब आगे क्या, क्योंकि उमर अंसारी पोस्टमार्टम हो गया है, यहाँ से 420 किलोमीटर का सफर तय करना है गाजीपुर के मोहम्मदाबाद इलाके के लिए, तो ऐसे में कब तक यहाँ से बॉडी निकलेगी मुख्तार अंसारी की। फिलहाल जो बताया जा रहा है कि जैसे ही पोस्टमार्टम कंप्लीट हुआ है उमर अंसारी जो है पोस्टमार्टम हाउस से वो मस्जिद की तरफ गए हैं, हम भी उसी मस्जिद की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, उमर अंसारी से बातचीत करेंगे और बातचीत करके जो उनके मन में जो बातें हैं वो क्या क्या चाह रहे थे क्या क्या हुआ उनसे बातचीत करके वो जानकारी हासिल करेंगे। और जो एम्बुलेंस जो बॉडी लेकर जाएगा मुख्तार अंसारी का, उस एम्बुलेंस के ड्राइवर से मेरी बातचीत हुई, उसने कहा कि 6 घंटे में वो इस दूरी को तय कर लेगा, अगर 2 बजे भी यहाँ से निकलते हैं तो पहुंचते पहुंचते रात के 9 बजेंगे और जाहिर तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई है, वो ज्यादा से ज्यादा वो चाहते हैं और वो फैमिली से लगातार बातचीत भी कर रहा है कि आज ही सुपुर्दे खाक भी कर दिया जाए, जिस तरीके से हमने अतीक अहमद और अशरफ अहमद केस में देखा था प्रयागराज में कि सुपुर्दे खाक रात में ही कर दिया गया था, वो तकरीबन 10:30-11 बजे का समय था और एडमिनिस्ट्रेशन ये भी चाहता है कि सुपुर्दे खाक में बहुत कम से कम लोग पहुंचे, निजी जो रिश्तेदार हैं जो परिजन हैं केवल वही जाएं, किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो, तो प्रशासन जो है हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा है, लगातार तमाम जिलों में धर्मगुरुओं से भी लगातार बातचीत हो रही है कि किसी भी तरीके से कोई अफवाह ना फैला दे। जी रूबिका, अमित थैंक यू तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सियासी घमासान कैसे जारी हो गया है, कैसे वो जो है एक बार फिर से जिन्न जिसे कहते हैं ना बॉटल से निकल आया है, विपक्षी गठबंधन के कई नेता सीधे तौर पर जेल प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, मुख्तार पर गंभीर आरोप लगाने वाले कई परिवारों के लोग दूसरी तरफ इसे न्याय बता रहे हैं। हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है बकायदा, इस रिपोर्ट को देखिए और आप समझ जाएंगे कि इस वक्त मुख्तार अंसारी की मौत के बाद एक तरफ राजनीति और दूसरी तरफ न्याय, ये दोनों ही नैरेटिव सीधे तौर पर लोगों के मन। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उत्तर प्रदेश से लेकर कई राज्यों में हड़कंप मचा हुआ है, बांदा से लेकर पूर्वांचल के कई जिलों में सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है, गाजीपुर मऊ बांदा धारा 144 भी लगा दी गई है। दूसरी ओर अस्पताल प्रशासन की ओर से मेडिकल बुलेटिन में मुख्तार की मौत की वजह दिल का दौरा बताई जा रही है। हालांकि विपक्ष मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा हुआ है। हाल में कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर मुख्तार की संस्थानिक हत्या का आरोप लगाया और एससी से पूरे मामले की जांच की मांग की। जब उन्होंने शंका जाहिर की थी कि मुख्तार अंसारी जी ने कि हमें जेल में जहर दिया गया, उसके बाद न्यायालय के आदेश का पालन आपने क्या किया, आपने कहा कि जांच हुई, जांच में नॉर्मल आया। मैं एक बात कहूंगा कि मैंने तो सीधा कहा कि एक जांच हो हाईकोर्ट के द्वारा। एसपी नेता अमीक जामीज और कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठाते हुए सरकार से जांच करने की मांग की है। भी 2 दिन पहले गाजीपुर के लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अफजल अंसारी साहब को मुख्तार अंसारी ने बताया था कि उनकी किसी भी वक्त हत्या हो सकती है, क्योंकि उनको कुछ अहम मामलों में पेशी होना है जिसमें कुछ लोग मुल्जिम साबित होने हैं। हम मांग करेंगे कि इस पूरे प्रकरण की एक निष्पक्ष तरीके से जांच कराया जाना चाहिए कि आखिर उनकी सेहत के मामले में उनकी जो ये मौत हुई है उसका सच क्या है। मुख्तार अंसारी ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है और आज प्रशासन बता रहा है कि उनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन में जांच हो। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने मुख्तार अंसारी की मौत की वजह स्लो पॉइजन को बताया, हालांकि उन्होंने कहा है कि उन्हें कोर्ट पर भरोसा है, उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। बिल्कुल करेंगे और जो कार्रवाई करनी है सब कोर्ट के माध्यम से और न्याय के रास्ते से आगे बढ़ेंगे और हमें न्यायपालिकाओं पर पूर्ण विश्वास। जांच का विषय है जो अदालत
फैसला करेगी, हमको यकीन है कि वो इंसाफ। वहीं विपक्षी गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव और असदुद्दीन ओवैसी ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि मुख्तार अंसारी ने पहले ही जेल में जहर देने का आरोप लगाया था, इसके बावजूद इसे गंभीरता से नहीं लिया गया और उनके इलाज पर ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि एक पक्ष ऐसा भी है जो मुख्तार अंसारी की मौत को राहत के तौर पर देख रहा है। कृष्णानंद राय के भतीजे ने जहां इसे इंसाफ बताया और कहा कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, वहीं एक और पीड़ित ने देर से ही सही लेकिन इंसाफ मिलने की बात कही। मऊ में उनके पिता की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा था। कह सकते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जब ये मैं घटना सुना तो कह सकते हैं कि मेरा आत्म अस्तित्व हो गया। रमजान के महीने में ही हम लोगों को नया मिला है, भगवान के द्वारा नया मिला। 8 से 10 यादव बंधुओं के उन्होंने हत्या करवाई थी उस मऊ दंगे में, तमाम तरह से एकदम तांडव एकदम किया था। उसके बाद ही 1-2 महीने के बाद ही विधायक जी की हत्या भी करवा दी। उससे अपराधी था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने रसूख पे सरकार के बल पे लोगों से धन वसूली, हत्या, अपहरण, यही कार्य था। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सारे लोगों, जितने लोगों को उसने हत्या करी, सारे परिवार के लोग आज बहुत खुश होंगे। अपराधियों का हसरा ऐसा ही होता है। यह तो होना ही था, हम ईश्वरीय न्याय के भरोसे तो थे ही पूरी तरह, लेकिन नीचे वाले भी, एक भगवान नीचे भी बैठते हैं जो न्यायालय में भगवान कहे जाते हैं, उनसे भी न्याय की पूरी उम्मीद थी और उसमें न्याय आती उससे पहले ही भगवान भी ऊपर वाले भगवान का न्याय आ गया। उसके लिए हम ऊपर वाले भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मुख्तार अंसारी के खिलाफ विकास पिछले 14 साल से लड़ रहे थे। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद 14 साल में पहली बार उन्होंने अपने पिता की तस्वीर पर माला चढ़ाई। ये रिपोर्ट आपने देखी और आप समझ गए होंगे कि कहां से लेकर कहां तक का सफर मुख्तार अंसारी और उनके सताए हुए लोगों का हुआ है। लेकिन अभी जो अपडेट है वो ये है, पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है और अब एक वाहन जो है मुख्तार अंसारी के शव को लेकर बांदा से गाजीपुर की तरफ निकल पड़ा है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में बाकायदा जो पैतृक कब्रिस्तान है मुख्तार अंसारी के परिवार का, वहां पर दफनाने का इंतजाम जो है वो शुरू हो चुका है। अमित सिंह बांदा से अब उसी तरफ जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं, आनंद तिवारी वहीं पर कालीबाग जो कब्रिस्तान है वहां पर मौजूद है जहां पर कब्र तैयार की जा रही है। अच्छा, अमूमन ये देखा गया है जैसा आप बता रहे थे आनंद, के एक शख्स जो कानून की नजर में अपराधी है, उम्र कैद की सजा काट रहा है, लेकिन उसके गांव में उसका चेहरा बिल्कुल अलहदा होता है, रॉबिन हुड की तरह, क्योंकि गरीबों की मदद कर देता है भाई, भतेरा पैसा होता है, किसी ने आकर कुछ प्रार्थना की तो वो प्रार्थना उसकी मांग ली जाती है। तो फिर उस दुर्दांत अपराधी को आप फरिश्ते की नजर से देखने लगते हैं। गाजीपुर में मेरे ख्याल से और खासकर मोहम्मदाबाद में यही होता हुआ जो आप बता रहे थे दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या अलग अलग गाँव से लोग वहां पर आ रहे हैं या पुलिस के इंतजाम ऐसे है कि वहां पर भीड़ आने ना पाए? जी देखिए, बिल्कुल पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं कानून व्यवस्था के मद्देनजर। जो पुलिस कप्तान है वो डेरा जमाए हुए हैं, जो जिले के प्रशासनिक अधिकारी, यहाँ की चिकित्सा प्रणाली और शासन प्रशासन पर विश्वास नहीं है, वो सोशल मीडिया पर भी है और मीडिया को भी हमने मुहैया करा दिया। आप लोग को सब पता है कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, और पोस्टमार्टम होगा नहीं होगा, मैं तो जुमे की नमाज पढ़ने आ गया था, अभी वहीं से पंचनामे की सारी चीजें हो गई हैं और अब डीएम साहब को फैसला करना है, देखते हैं क्या फैसला। लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ था जी, मेरे आने तक नहीं हुआ था अभी। और दूसरी चीज, जिस तरह से तमाम घटनाक्रम चेंज हो रहा है जब से यह चीज आई है कि उनको कांटे का रिश्ता आया है, उसके बाद से मायावती हो, तमाम लीडर्स जो ट्वीट कर रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं और किस तरह से आगे बढ़ेंगे आप? नहीं देखिए, मैंने किसी के ट्वीट्स नहीं देखे हैं, ना मुझे न्यूज देखने का टाइम है। हम लोगों पर जो बीत रही है वो हम लोग ही जानते हैं, लेकिन हम लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं और हमें पता है कि जिंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है, तो अल्लाह ने वक्त लिखा है तभी पूरा हुआ है। जांच को लेकर क्या कहना चाहते हैं, जिस तरह से स्लो पॉइजन और तमाम तरह की बातें की जा रही हूँ मैं, 1-2 दिन के बाद जब तदफीन हो जाएगी तब इसके बारे में हम लोग न्यायपालिका से उम्मीद करेंगे कि जो हम आशंका जता रहे हैं उस पे जांच हो, वार्ता करेंगे अपने सारे लीगल टीम से। शक है आपको? शक नहीं है, यकीन है।
यकीन है कि ये स्वाभाविक मौत नहीं संयोजित हत्या है। अभी वापस मोर्चरी जा रहे हैं जी। उमर अंसारी को आप सुन रहे थे, स्वाभाविक मौत नहीं ये एक हत्या है। उमर अंसारी ये कह रहे थे कि देखिए जो वक्त मुकर्रर था उस वक्त पर पिता की मौत हो गई, लेकिन ये आशंका नहीं है, हमें यकीन है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। एक दो दिन बीत जाएंगे उसके बाद हम न्यायपालिका का रुख करने वाले हैं। हम बकायदा अपनी लीगल टीम से इस मसले पर बातचीत कर रहे हैं और मेरे ख्याल से कुछ देर पहले ली गई ये लिया गया बयान है, क्योंकि ये जुमे की नमाज के लिए जा चुके थे और उस वक्त तो जो है वो पोस्टमार्टम शुरू नहीं हुआ था। हमारे रिपोर्टर्स ये बता रहे हैं, अमित आप एक बार बता दीजिए, क्योंकि ये जो बयान है उमर अंसारी का, ये मेरे ख्याल से कुछ देर पहले का, जब वो कह रहे हैं कि नहीं अभी तक पोस्टमार्टम शुरू नहीं हुआ, मैं तो जुमे की नमाज के लिए चला गया था, अब तो लगभग 2:30 बजने को है। देखिए रूबिका, जो ये बयान अभी उमर अंसारी का आया है जिसमें उमर अंसारी कह रहे हैं कि डीएम बांदा को फैसला लेना है, दरअसल वो नमाज के पहले की ये बयान है। यहाँ से हमारे सामने उमर अंसारी यहाँ से निकले था और अब से थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे बातचीत कर रहा था तो मैंने भी इस बात का जिक्र किया कि उमर अंसारी यहाँ से मस्जिद के लिए निकले थे, हम भी देखने के लिए जा रहे हैं कि कौन से मस्जिद में वो गए हुए हैं, लेकिन हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है, किसी और मस्जिद में वो थे। तो जाहिर तौर पर उस वक्त की ये बात है, जो न्यायिक जाँच के आदेश डीएम बांदा की तरफ से आए हैं और उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि 1 महीने के अंदर पूरी जांच रिपोर्ट पेश करनी है, पूरी जांच कर लेनी है। दूसरी तरफ ये भी खबरें यहां से निकलकर सामने आई हैं, ठीक पोस्टमार्टम हाउस एक बार फिर से मैं पहुंच गया हूं और पोस्टमार्टम हाउस से निकलकर सामने आई है कि विसरा प्रिजर्व किया गया है, पोस्टमार्टम हो चुका है। और सुबह जो पंचनामे की जो खबरें थी कि उमर अंसारी जो पोस्टमार्टम से पहले की जो प्रोसेस होता है रूबिका, जिसमें उमर अंसारी ने पंचनामा किया, मुख्तार अंसारी के दो भतीजे थे, चचेरे भतीजे, उन्होंने पंचनामा का प्रोसेस किया है। उसके अलावा जो मुख्तार अंसारी का ड्राइवर है उसने सिग्नेचर्स किए हैं और मुख्तार अंसारी के एक वकील प्रेजेंट थे, उन्होंने सिग्नेचर्स किए हैं। 5 डॉक्टरों के पैनल यहां पर पहुंचा था और 5 डॉक्टरों के पैनल जो है सुबह 10:30 बजे से पहले जो है वो यहां पर पहुंच चुके थे, वीडियोग्राफी हुई है। तो ये बयान जाहिर तौर पर पंचनामे के बाद का है, जब वो मस्जिद की तरफ रुख कर लिए थे, लेकिन हालांकि जब इस तरीके तो का बयान हो चुके हैं ना, जैसे मैजिस्ट्रेट ने कहा है कि अब न्यायिक जांच होगी और रिपोर्ट जो है महीने भर के अंदर सौंपी जाएगी, विसरा रिपोर्ट जिसका बार बार, विसरा का मतलब आप समझ लीजिए, न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बता देना चाहती हूँ, जब आप पोस्टमार्टम करते हैं तो आप क्या करते हैं कि पूरी जो बॉडी है उसके अंगों को एग्जामिन करते हैं और उसके बाद पूरी की पूरी बॉडी उसी साबुत रूप में दे दी जाती है। लेकिन अगर विसरा इकट्ठा करना है जिसकी रिपोर्ट के लिए आपको डिटेल जांच होती है और उसके बाद वो रिपोर्ट आती है, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। विसरा मतलब ये होता है कि लंग का थोड़ा सा टुकड़ा, हार्ट का थोड़ा सा टुकड़ा, आपका जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं उसके थोड़े से टुकड़े, एक्सक्रीटा के थोड़े से जो टुकड़े हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसका एक छोटा सा टुकड़ा निकालकर उसे रख दिया जाता है और फिर उसके ऊपर जांच होती है और उसमें ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि क्या कोई जहर का अंश है, आखिरी बार क्या खाया था, किस तरीके का खान पान था, वो सारी चीज़ें उन छोटे छोटे जो ऑर्गन्स के टुकड़े लिए होते हैं उससे सब डिटेल पता लग जाती है। और इस केस में विसरा रिपोर्ट के लिए कह दिया गया है, यानी सब कुछ पता लग जाएगा, जो आशंका परिवार की है वो भी, और जो बार बार अस्पताल के लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, मेडिकल बुलेटिन में निकला है वो भी। हम आपको एक आखिरी जो बातचीत थी मुख्तार अंसारी की और उनके बेटे की, वो बातचीत फोन पर जो दोनों की हुई थी, बाप बेटे की, वो बताना और सुनाना चाहती हूँ, सुनिए आप। अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है पापा, आपकी आवाज़ सुनने नसीब हो रही है हम लोग को। आप ठीक है ना? आपकी आवाज बहुत डर आ रही है। रुकिए, उमर लाइन पे है आप। हेलो अजी बापा, अस्सलामुअलैकुम, आप ठीक हैं? बस अल्लाह ने बचा लिया पापा, आप हिम्मत से रहिए, इंशाल्लाह सब सही होगा। रमजान का पाक महीना हम लोग को पूरी उम्मीद। आप कुछ बोलिए पापा, जो जो हमसे कहना आप बोलिए फटफट। हाँ बाबा, बिल्कुल बहुत कमजोर हो गए आप, हमने देखा।
वीडियो में देखा हमने जो आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा हम यही कोर्ट में ही है, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं, यहाँ डालीबाग वाले को अदालत में है, हम यहाँ लखनऊ में और मऊ से भी दरोगा अंकल भी करा रहे हैं। अगर परमिशन आज हो के नकल मिल जाएगी तो कल हम मिलने आएंगे आपसे, हम और भाभी दोनों लोग। दो दिन चार दिन पाँच दिन आओ ताकि हम उठ सकते, हम बैठ नहीं पा रहे हैं बाबू। हम समझ रहे हैं बापा, बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल तो दिख ही रहा है, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है, हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आपसे, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके बापा फोन कर लिया करिए रोज, आपका आपकी आवाज सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। तो उनकी बहू और उमर अंसारी, मुख्तार अंसारी के बेटे के बीच में ये बातचीत हुई थी। बहुत सी बातें उस तरफ से रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, लेकिन आखिरी कुछ लाइनें आपने सुनी होगी कि हम कल आपसे मिलने आएंगे, दारोगा अंकल मऊ के जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हमें मिलने का वक्त मिल जाए। फिर उसके बाद मुख्तार अंसारी ये कह रहे हैं कि अभी तो मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, तबीयत खराब है, लेकिन दो चार दिन में ठीक हो जाऊँगा, तब मुझसे मिलने आना। इस बीच सहारनपुर से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद ने मुख्तार अंसारी की हत्या का आरोप लगा दिया है और मसूद ये दावा कर रहे हैं कि बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की हत्या की गई थी, क्योंकि 19 मार्च को मुख्तार अंसारी ने जेल से चिट्ठी लिखकर जहर देने का दावा किया था। एक के बाद एक इसी तरीके के आरोप अब आपको देखने सुनने और जानने को मिलेंगे। हमारे साथ आनंद बने हुए हैं। आनंद, पिछली मर्तबा जो सवाल आपसे पूछा था वो उसका जवाब रह गया था, मैं एक बयान सुना देती हूँ। ये जो नया नवेला आरोप आया है इमरान मसूद की तरफ से, सहारनपुर के कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और उसके बाद मैं आपका रुख करती हूँ। वेंटिलेटर वाले व्यक्ति को 12 घंटे में कैसे वेंटिलेटर से निकाल के दोबारा वापस भेज दिया गया और जेल में कल 3:30 बजे उनके बेटे का मैं इंटरव्यू देख रहा था, 3:30 बजे भी उन्होंने कहा कि बेटा बस अब मेरा बॉडी यहाँ रहेगी और रूह निकल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इंगित करती है कि सीधे सीधे मुख्तार भाई को कत्ल किया गया है। अमित सिंह का रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। आपत्ति कुछ नहीं है, आपत्ति बस ये है कि वो लिखित में हमने जिला अधिकारी साहब को दे दिया, देखते हैं वो क्या जी। हाँ, पंचनामा हुआ है। एम्स के डॉक्टर नहीं आएंगे तो क्या पोस्टमार्टम करवाएंगे आप? हम करवाने और ना करवाने वाले कौन होते हैं, शासन और प्रशासन के ऊपर है। हमने लिख के अपनी बात कह दी है, वो रिफ्यूज करेंगे वो हमें रिटर्न में दे दें, बात खत्म। लेकिन डॉक्टर अगर नहीं आ पाएंगे, डॉक्टर नहीं आ पाएंगे तो क्या कहेंगे? मैं कह तो रहा हूँ, हमने अपनी आपत्ति कर दी। आखिरी बार डीएम मालदा से कब बात हुई थी? मेरी बात नहीं, फॉर्मेलिटी तो शुरू हो गई थी पोस्टमार्टम की, तो अचानक से क्या? नहीं, मेरी जानकारी में भी नहीं है कि फॉर्मेलिटी शुरू। पंचनामा पूरा हो चुका हो गया था, पंचनामा जी, पंचनामा वो अलग चीज होती है, वो तो प्लेस ऑफ डेथ पे होता है, वो तो आपको पता ही होगा। अगर एम के डॉक्टर नहीं आएंगे तो पोस्टमार्टम इज अ डिफरेंट थिंग, पंचनामा इज अ डिफरेंट थिंग, लेट्स सी। तो दो रूबिका ये थे उमर अंसारी, मुख्तार अंसारी के बेटे, जो कि अभी अभी मस्जिद से लौटे हैं, और इन्होंने साफ साफ कहा कि जब ये यहाँ से नमाज पढ़ने के लिए गए थे तकरीबन 1.5-2 घंटे पहले, तब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। इन्होंने सीधे सीधे बांदा डीएम को इन्होंने कहा है कि एम्स के डॉक्टर के जरिए ही यहाँ पर उनके फादर का पोस्टमार्टम कराया जाए। पंचनामा इन्होंने कर दिया था, जो फॉर्मेलिटीज होती है, सिग्नेचर्स होते हैं, वो उमर अंसारी ने कर दिए थे, और साथ ही साथ जो उनके दूसरे रिलेटिव यानी मुख्तार अंसारी के जो भतीजे थे ड्राइवर और वकील, उन्होंने पंचनामे के लिए हामी भर दी थी, सिग्नेचर कर दिए थे, और उसके बाद वो यहां से निकल गए थे। निकलने के बाद अभी वो यहां पर पहुंचे हैं, पोस्टमार्टम हाउस पर अभी पहुंचे हैं मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी। जाहिर तौर पर उन्होंने अभी यह दावा किया कि जब तक वो यहां पर मौजूद थे तब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, पिछले कुछ घंटों में क्या हुआ है उन्हें नहीं मालूम, वो अंदर गए हैं इस वक्त अभी। अमित, बस एक और क्लैरिटी मुझे दे दीजिए, क्या मुख्तार अंसारी का शव अभी भी जहां पर आप मौजूद हैं बांदा में ही मौजूद है?
जी हाँ बिल्कुल रूबिका, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहीं पर मुख्तार अंसारी की जो बॉडी है वो यहीं पर है, और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊँ, देखिए किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर से चुस्त दुरुस्त हो गई है। गाड़ी यहाँ पर तैयार थी, यहाँ पर गाड़ी यहाँ पर तैयार है, जो सीओ की वैन मुख्तार अंसारी को स्कॉट करके, मुख्तार अंसारी के बॉडी को स्कॉट करके ले जाएगी गाजीपुर, वो यहाँ पर तैयार है। दूसरी तरफ मैं आपको एक और तस्वीर यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, थोड़ी देर पहले वो एम्बुलेंस लाया गया, जिस एम्बुलेंस से आप देख पा रहे हैं कि एम्बुलेंस के ऊपर लिखा भी हुआ है, यही एम्बुलेंस जो है बॉडी मुख्तार अंसारी का लेकर गाजीपुर जाने वाली थे। खुद एम्बुलेंस के ड्राइवर से हमने बातचीत की और तमाम कुछ अधिकारियों से ऑफ कैमरा यहां पर बातचीत हुई थी, तो यहां सबका कहना था कि सब कुछ तय हो गया है, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी हो रही है और आधिकारिक रूप से पुष्टि भी होगी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी की। जाहिर तौर पर उमर अंसारी इस वक्त अंदर गए हैं, जैसे वो बाहर निकलेंगे और भी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जी अमित बहुत बहुत शुक्रिया ये डिटेल जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बांदा से अभी मुख्तार अंसारी का शव निकला नहीं है, एक तरफ बांदा एक पॉइंट जहां पर मुख्तार अंसारी का शव मौजूद है, बेटा उमर अंसारी भी वहीं पर मौजूद है, और दूसरा पॉइंट जहां पर आनंद मेरे सहयोगी मौजूद है वो है गाजीपुर का कालीबाग कब्रिस्तान, जहां पर मुख्तार अंसारी को दफनाया जाना है, और इन दोनों के बीच का फासला जो है वो 6 से 7 घंटे का है। हम अभी कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आज की ये बड़ी खबर है, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी क्योंकि राजनीति यहां पर रुकने वाली नहीं है। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। MDH, MDH. करके कहां पहुंचा?